लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी 400 का आंकड़ा पार करने में काफी फासला है एनडीए के बीच में और 400 के इस जादुई आंकड़े के बीच में जो इस बार लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो क्या ये जो 80 सीटें हैं ये 400 के करीब एनडीए को लेकर आएंगी? आइए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां 2019 में नुकसान का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। 8 सीटें, और ये 8 सीटें बता रही हैं कि यहां एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, आरएलडी 1 सीट जीत रही है, और समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां पर चलती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि पंचर समाजवादी पार्टी की साइकिल में होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। ये वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां 2019 में नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। वजह यह रही थी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, बीएसपी की वजह से खासा नुकसान झेलना पड़ा था। तो 8 सीटों का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगे, और आरएलडी जो अभी अलाई पार्टनर बना है, चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आए हैं, वो भी अपनी एक सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम यूपी बीजेपी स्वीप कर रही है इस बार, ये क्लियरली हमारा सर्वे जो है दिखा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी 8 सीटें भावेश आपने दी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं शुरुआत में देखूँ तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, ये 8 हो जाती हैं। लेकिन इसके आगे का इलाका भी तो आप वेस्ट में ही मानेंगे ना, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इवन बुलंदशहर। बुलंदशहर वेस्ट यूपी में हम माने, लेकिन बाकी के सीट को उसको दो पार्टों में डिवाइड किया, जिसको रोहिलखंड हम लोग कहते हैं। तो रोहिलखंड और उसको अलग अलग करके डिवाइड किया हमने पूरे यूपी के, क्योंकि बहुत बड़ा, क्योंकि 80 सीटों का डिवाइड करना तो 6-7-8 सीटों ऐसे करके हमने उसको रीजन बनाया हुआ है। देखिए इसमें तो ये पहले आप जो जितनी सीटें अभी आपने बताई हैं इसमें आरएलडी का सारा इफेक्ट आ गया। बिल्कुल, आरएलडी का थोड़ा बहुत रोहिलखंड में भी इफेक्ट है, जो बिजनौर वाली सीट है वो संभल भी इसी में गिनेंगे। रामपुर आपका उसमें रोहिलखंड में आ गया, रोहिलखंड में आ गया जी। ठीक है, वेस्ट यूपी एनडीए स्वीप जी। राहुल जी देखिए, जैसे मुजफ्फरनगर की सीट है, अब वहां पर जिस तरह का समीकरण चल रहा है बालियान और संजीत सोम के बीच में, वो इस तरह की चीजें हैं जो कि एक सीट को हरा सकती है। अगर कोई अपना ही पार्टी का आदमी आपको हराने पे तुल जाता है तो वो मुश्किल करती है। अब योगी जी ने उसको सुलटा दिया ना, आजू बाजू बैठा दिया था। नहीं, सुलटा नहीं ना, उसके बाद फिर जो है संगीत सोम जो है उठ के खोल बोलने पर लग गए ना, उसके बाद उन्होंने गांव में जाके पोस्टर वोस्टर लगा दिए ना, तो बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी सीटें बालियान हारेंगे, बालियान हार सकते हैं, मैंने ये कहा। देखिए मैं देखिए, दूसरा मुजफ्फरनगर, इसके बाद आप भावेश बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी, पहले पहले मैं इस पे पूरा कर लूं, उसके बाद मेरे को पता है वो राहुल जी कर रहे हैं। देर में त्रिपाठी जी की आवाज गुजी, आपकी आपकी बातों से देखिए लोग इत्तेफाक नहीं रखते। मुजफ्फरनगर में जो बात है कि किस तरह से वहां पर जो समाज, जो बीएसपी जिस तरह से अपनी जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है, उस कैंडिडेट के कारण वहाँ पर जो जो वोट हैं बीजेपी के वोट हैं खासतौर से, वो कटते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है सर, तो ऐसी, और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के कैंडिडेट बीएसपी दे रही है, वो कोई बीजेपी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा। इस पर हम लोग आगे बात करें आप, लेकिन मुजफ्फरनगर में बीजेपी की जो इंटरनल राइवलरी है वो प्ले कर रही है, उसका नुकसान होगा, बालियान साहब को मुश्किल हो सकी है। सर्वे हालांकि जीतता हुआ दिखा रहा है। नहीं देखिये, भावेश जी का सर्वे जीतता हुआ दिखा रहा है, मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़े अंतर से जीतने वाली सीट होगी भारतीय जनता पार्टी। संजीव बालियान चौधरी अजीत सिंह के सामने जो लड़ाई लड़ चुके हैं 2019 में, उससे बड़ी लड़ाई अब उनके जीवन में नहीं आने वाली। संगीत सोम का कुछ कह देना, संगीत सोम के उनके जो कहते हैं ना कि दो लोगों की जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें आपको लगता है कि अगर राजपूत वोट वो योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद भी, बोलने के बाद भी दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक आकलन है। और जो जाट है, एक गांव है भैंसवाल, उस गांव में संजीव बालियान पिछले 2 साल से घुस नहीं पाए थे, और उस गांव के लोग अब अपनी मूछें जरा ताव देते हुए कह रहे हैं कि इस बार तो बालियान साहब ही जीतेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और नहीं जीतने वाला है। ये जो चौधरी साहब की पार्टी से गठजोड़ हुआ है, जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड में कमाल करने जा रहा है।
देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी हाई रहता है और इससे जाट वोटर्स पर प्रभाव पड़ता है और फिलहाल हमें रिफ्लेक्शन तो नजर आ रहा है। देवेंद्र के पास एक बार चलेंगे। देवेंद्र, अभी तक 8 सीटें हमने दिखाई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 8 सीटों पर क्लीन स्वीप एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है, 1 सीट आरएलडी के खाते में जा रही है और 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है जिसमें मुजफ्फरनगर भी है जहाँ टसल दिखाई दी थी ठाकुर वर्सेस जाट की। मुजफ्फरनगर एक कंसर्न जरूर है बीजेपी के लिहाज से, सतर्कता के लिहाज से, लेकिन पार्टी ये मानकर चल रही है, पार्टी के रणनीतिकार जो कि चुनाव पूरे कैंपेन को देख रहे हैं वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि वोटिंग तक ये कोई फैक्टर रहेगा नहीं। एक तो संगीत सोम की बात कर लें, उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट को जो कि केंद्र में मंत्री हैं उनको हरवाने में योगदान दे सके या दूसरी चीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर सके। साथ ही साथ इस बात को भी पार्टी मान के चल रही है कि आखिरकार वोटिंग के समय छत्रियों के पास ऑप्शन क्या होगा, ठाकुरों के पास ऑप्शन क्या होगा, क्या वो पीएम मोदी और योगी का चेहरा नहीं देखेंगे। इसमें कोई दावा नहीं कि इन कैंडिडेट के तौर पे डॉक्टर संजीव बालियान की अगर आप बात करें तो उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, उनके खिलाफ नाराजगी बहुत ज़्यादा है, फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि पीएम मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा, जयंत चौधरी का साथ आना, तो ऐसे कंडीशन में उस सीट में अंततः कोई बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी ऐसा नजर नहीं आएगा। पश्चिम यूपी में 2-3 सीट पे बीजेपी को टफ फाइट नजर आ रहा है लेकिन अंत में रिजल्ट आपको ठीक नजर आएगा। कुछ चीजें एजम्पशन पे होती हैं, जैसे इसके पहले बिहार के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, काराकाट की सीट आपके इस एजम्पशन पे है कि पवन सिंह अभी चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह वोटिंग तक चुनावी मैदान में रहेंगे, इसमें बड़ा संदेह रहेगा और आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 लाख जो राजपूत वोटर हैं वो पवन सिंह को दे देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। बीजेपी के लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं और बहुत संभव रहेगा कि पवन सिंह अपने कैंडिडेचर वापस ले लें। तो चाहे वेस्टर्न यूपी का केस देख लें, काराकाट को देख लें, बहुत सारे एजम्पशन के आधार पर चल रहे हैं, नतीजे कुछ और बताएंगे। जी ठीक, अब आइए जरा रोहिलखंड की तरफ बढ़ते हैं। सौरभ जी, हाँ बोलिए। देवेंद्र जी, हम लोग एजम्पशन पे सर्वे नहीं करते, ये ग्राउंड की रिपोर्ट होती है। आपको भी पता है उपेंद्र कुशवाहा के पिछले 5 साल में क्या पॉलिटिकल मूवमेंट रही है, वो एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। दिल पे मत लीजिए, आपके लिए नहीं है, नहीं कहा ये आपका सर्वे है, चुनाव का नतीजा नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, वहाँ पे काराकाट में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके चलते आप ये कहें कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोहिलखंड की बात कर लेते हैं। ये वो रोहिलखंड जहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ था 2019 के चुनावों में, 12 सीटें इसमें हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं लोकसभा की, और 11 सीटें यहाँ बीजेपी जीत रही है, आरएलडी 1 सीट जीत रही है और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर झटका लग रहा है, 1 भी सीट नहीं जीत रही है। जब हम रोहिलखंड की बात करें तो रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, भावेश, इन सब सीटों को गिनना होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो राहुल जी कह रहे थे कि वहाँ पे जो बीएसपी का कैंडिडेट है उससे बीजेपी को मदद मिलने के लिए, आप देखिए पूरे सीट वाइज जब एनालिसिस करेंगे तो बीएसपी के कैंडिडेट से बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटों पे मदद मिलने, जिस तरह का उन्होंने कैंडिडेट दिया, अधिकतर सीटों पे जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए उस तरह। उसके बाद इस एरिया में आप देखेंगे कि यादवों का भी एक तबका बीजेपी की तरफ, जो हिंदुत्व के नाम पे, जो राम मंदिर के नाम पे एक पोलराइजेशन हो रहा है जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। यदि इस तरह की इस पूरे बेल्ट में आपको लगता है रिलीजियस पोलराइजेशन एक फैक्टर होगा पूरे यूपी में? पूरे यूपी में आप देखेंगे, इसी बेल्ट में नहीं, पूरे यूपी में देखेंगे कि रिलीजियस बेल्ट पे बीजेपी का खुद का अपना वोट बैंक लगभग 50% के आसपास, उसके बाद राम मंदिर बनने के बाद उस पर जो एडिशनल वोटों का जो पोलराइजेशन हो रहा है वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट। जरा बड़ी सीटें बताइए यहाँ की, रामपुर, यहाँ पे जो रोहिलखंड की जो सारी सीटें, बिजनौर हो गया, ज्योतिबा फूले नगर हो गया, पीलीभीत हो गया, बदायूं हो गया, बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, शाहजहाँपुर, सहजनपुर हो गया, रामपुर हो गया, नगीना हो गया, संभल, अमरोहा, आमला। तो रामपुर और संभल पर हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए, जो ये सीटें जो हैं ये समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी। रामपुर में अब आजम खान तो चुनाव लड़ नहीं सकते, वो चाह रहे थे यहाँ पर आकर के अखिलेश यादव चुनाव लड़े, वो भी नहीं लड़े, तो अगर आजम खान ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया, समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल कैंडिडेट भी दे दिया, अब वो ऐन वक्त तक का इंतजार कर रहे हैं कि जब तारीख आ जाएगी लास्ट डेट आप नॉमिनेशन वापस लेने की, उस दिन उनमें से कोई एक वापस ले लेगा, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन वहां पर है। और आजम खान ने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा, प्रचार में भी नहीं उतरूंगा, चिट्ठी लिख करके उन्होंने ये जारी कर दिया था। और रामपुर आपके हिसाब से जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, जो बाईपोल में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन रामपुर पर हर्षवर्धन जी देखिए, रामपुर में जिसको कहते हैं ना कि घर की लड़ाई समाजवादी पार्टी पर बहुत भारी पड़ रही है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत कम थे। घनश्याम लोधी वैसे भी आजम खान के पुराने साथी रहे जो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं,
और रामपुर में जो एक मौलाना को खड़ा कर दिया अखिलेश यादव ने, ये आजम खान को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने लोगों को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि दूसरा कोई हमारे यहां आकर राजनीति करेगा, यही वो नवाबों को भी पसंद नहीं करते थे। तो कुल मिलाकर घर की लड़ाई रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को एक दे रही। रामपुर अखिलेश यादव को आजम खान हरा रहे हैं, आजम खान हरा रहे हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। कहावत है ना सौरभ जी, घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, तो वही आजम खान ने रामपुर के अंदर आग लगा दी। उन्होंने अब किसी ने चिराग रखा ही हो आग लगाने के लिए, आग लगाने के अलावा और काम क्या किया आजम खान ने बताइए। नहीं, लेकिन आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा तो नहीं किया था। आपके बड़े नेता हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आपको जमीन पर उतर कर उनके साथ लड़ना चाहिए था। और एक समय में तो अखिलेश यादव ये मानते थे कि ठीक है इसी में कट्टू साइड हो जाएंगे। जेल में जाके अखिलेश यादव उनसे मिल रहे हैं, अभी जाके मिल क्या लड़ाई लड़े बताइए, अभी जाके मिल क्या, इसके पहले शिवपाल को जाना पड़ता था, वो तो जाते भी नहीं थे, आजम खान से मिलने भी नहीं जाते थे, उनकी कोई बात नहीं सुनते थे अखिलेश यादव। ऐसा नहीं है, अभी तो जाके मिलना पड़ा क्योंकि अब तो उनको मजबूरी दिख रही थी, तो ठीक है। मतलब अभी के संदर्भ में एक चीज और, ये भावेश बेटर बताएंगे, क्योंकि हमें जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स मिलती हैं आजम खान, अब ये एक बड़ा परसेप्शन बन गया ना रामपुर, मतलब आजम खान रामपुर कह रहे हैं, तो रामपुर में चूंकि जीशान खान को बसपा ने टिकट दिया है, तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम, रामपुर मतलब आजम खान, ये ऐसा बन गया था। लेकिन वहां से जो रिपोर्ट आती है वो बताती है कि आजम खान कोई बहुत पॉपुलर नहीं है वहां पर, मुसलमानों के बीच में भी बहुत बड़ा तबका है जो नहीं पसंद करता आजम खान को। देखिए धीरे धीरे अब ये अब वो हसन के कारण भी ऐसा हुआ ना कि मुसलमानों के बीच में जो है वो एक भंग का विभाजन हो गया है, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हसन साहब जो सीट कटवाने में वो मान करके चलते हैं कि आजम खान की बड़ी भूमिका रही है। और आज आपने देखा भी होगा कि जब उनका सीट कटा था उन्होंने कहा भी किसे, मैंने तो उनसे कोई ऐसा तो कुछ किया नहीं था जिससे वो मेरे, उन्होंने मुरादाबाद में एसटी संघ का टिकट कटवा दिया, उससे कारण भी जो है वो असर पड़ा है। अब दूसरी सीट संभल की सीट, मतलब संभल में भी मुस्लिम प्रतिशत काफी ज्यादा है, 30-35% के ऊपर है शायद। बाहुल ने मुस्लिम वोटर ही निर्णायक है इसमें, फिर भी बीजेपी के खाते में जा रही है। मुस्लिम बाहुल नहीं है, मुस्लिम एक अच्छा प्रोपोर्शन है, 30% से ज्यादा वोट वहां पर मुसलमानों का है। और वो संभल जो पिछली बार सपा जीत गई थी, शफीकुर रहमान वर्ग जीते थे, अब नहीं रहे वो सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, क्या क्या आपने वहां पाया? देखिए ये सीटें पिछली बार सपा बसपा के कॉम्बिनेशन के वजह से बीजेपी हार गई थी, 2014 में बीजेपी ये सीट जीती हुई थी। और वो तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, मुस्लिम एक अच्छी खासी तादाद में लगभग 35% के आसपास मुस्लिम वोट जरूर है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह का पोलराइजेशन वहाँ पर हिंदू पोलराइजेशन मुस्लिम पोलराइजेशन होता है उसमें बीजेपी के लिए फायदेमंद है, ये सीट जीत सकती है। दूसरी तरफ बसपा भी है जो वोट काटेगी और वो एंटी बीजेपी वोट काटेगी, दौलत अली को दे दिया बिल्कुल, जो एंटी बीजेपी वोट जितना काटेगी फिर उसको बीजेपी के लिए ज्यादा आसानी हो रहा है। तभी मैं कह रहा था इस पूरे रीजन में आप देखें बसपा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बसपा बीजेपी को जिताने में अहम रोल अदा कर रही है। अरे अमरोहा का तो बता दीजिए, दानिश अली गए जरा बसपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं अमरोहा से, अब उनको कांग्रेस में क्यों इतनी उम्मीद दिखाई दी, ये मेरे लिए आज भी एक पहेली है। मेरे ख्याल से जब दानिश अली पहले जेडीएस के नेता हुआ करते थे 2019 में जस्ट पहले, क्योंकि जेडीएस और बीएसपी का कर्नाटका में अलायंस हुआ था, तो उसके बाद एक समझौता के तहत दानिश अली बीएसपी ज्वाइन किया था, उन्होंने अमरोहा सीट से चुनाव लड़ा था और एक जो अलायंस हुआ था जिसके वजह से दलित मुस्लिम उस सीट पर पर्टिकुलरली उनको फ़ायदा मिल गया था। अब इस बार देखिए दानिश अली के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकमेंस है, आप यदि सिर्फ मुस्लिमों से भी वहाँ बात करेंगे तो वो भी कहेंगे वो दानिश अली को पसंद नहीं करते, वहाँ भी बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट है जिसका अच्छा खासा जनाधार है। और मैं कह रहा हूँ ना कि यदि बीएसपी को सबसे ज्यादा किसी को हराना होगा तो दानिश अली बीएसपी को सही कह रहे हैं। मैं यही कहने जा रहा था बहन जी तो इन चीजों को दिल पे लेती है ना, वहाँ मुजाहिद हुसैन को लड़ाया है और वो दानिश अली को चुनाव हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार, सही कह। और भारतीय, और एक चीज ये सच है कि दानिश अली कभी पॉपुलर लीडर नहीं रहे, कभी उनका बहुत प्रभाव नहीं रहा। एक कई बार होता है ना कि राष्ट्रीय राजनीति में कई लोगों की ऐसी छवि बन जाती है कि लगता है कि नहीं नहीं अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावी है, उनकी वैसे भी स्थिति बहुत खराब थी, मायावती हर हाल में उनका टिकट काटने वाली थी, उसको उन्होंने सेंस कर लिया और इसलिए जो कहते हैं ना कि मौके पर चौका मार दिया और वो उधर चले गए। कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो मायावती वही इस बार उत्तर प्रदेश में करने वाली है अखिलेश यादव के साथ कि मैं तो जीतने नहीं वाली हूँ लेकिन आपको भी मैं सीटें जीतने नहीं देने नहीं, वाली नहीं, लेकिन वो कई जगह भाजपा के लिए भी मुसीबत कर रही है। हाँ मतलब भाजपा, लेकिन ज्यादा तो समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी कर रही है वो कि किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी वहां जीते नहीं। और आप देखिए कि बीएसपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगी
और खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन बीजेपी के एक एक जो वोटर, लेकिन राहुल जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में बीएसपी और एसपी साथ लड़े थे और ये मान करके चलते थे कि जितना ओबीसी, मुस्लिम और दलित, इससे बड़ा कोई सोशल कोएलिशन हो नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जाटों का वोट भी उनके साथ था। इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी अपने किले को मजबूती से बचा पाई। ठीक है, 6-7 सीटों का लॉस हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो आरएलडी फैक्टर ज्यादा था, बीएसपी फैक्टर कम था। अगर मेरठ में जो बीएसपी है वो देवव्रत त्यागी को खड़ा कर देती है और वहां पे 50,000-60,000 वोट जो त्यागी वोट है वो डिवाइड होता है, तो किसको लॉस होगा? मुझे मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि त्यागी वोट जो है वो देवव्रत त्यागी के पीछे चला जाएगा। मेरठ के अंदर 10,000-15,000 वोट जरूर काट लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीत का अंतर कम हो जाएगा, लेकिन उससे कोई परिणाम पर असर नहीं पड़ने वाला है। ये नहीं कहा कि चले मेरठ में परिणाम पर असर होने वाला है, ना गाजियाबाद में परिणाम पर असर होने वाला है। जो डिफरेंस है जो जीत का, वो बहुत बड़ा। अरुण गोविंद चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल क्लियर चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल। अब प्राची वहां की है, बुलंदशहर की, आपने वहां की बात नहीं की अभी तक, बुलंदशहर की बात तो बताइए। बुलंदशहर तो सेफ सीट है, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के लिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। वैसे 2014-2019 में बीजेपी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी ये सीटें जीती है। दिल्ली से बहुत सटा हुआ नज़दीक है, आप देखेंगे यहाँ से लगभग ग्रेटर नोएडा से 70-80 किलोमीटर के आसपास ही है। आपका घर है तो आपको पता है। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है आसानी से, बागपत आरएलडी निकाल रही है, गौतम बुद्ध नगर जहां हम इस वक्त बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की बात हमने कर ली, भाजपा के पास जा रहा है। अब सेंट्रल यूपी की बात जरा कर लेते हैं। केंद्रीय यूपी 13 सीट है यहां पर और इन 13 सीटों में बीजेपी जीत रही है, 11 सीटें हमारा अनुमान है और सपा 2 सीटें निकाल सकती है, ये हमारे पोल का असेसमेंट है। सेंट्रल यूपी की 13 में से भाजपा 11, सपा 2, कांग्रेस 0। अब ये सीटें कौन सी हैं? अलीगढ़ के आगे से सब सेंट्रल यूपी, जो सेंट्रल यूपी में आपका हो गया अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और हाथरस। हाथरस तक जी, ठीक। तो ये जो 12 सीटें हैं मैनपुरी में, क्या बुंदेलखंड का ही बता देते हैं, 4 सीटें बुंदेलखंड की और चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ सपा और कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, चारों सीटें बुंदेलखंड की वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। तो सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड कमोबेश 2 सीट छोड़ दीजिए तो सारा भाजपा की हो जाता है। लेकिन फिरोजाबाद पे सपा जीत रही है, जीत रही है सपा, सपा जो है उसकी पूरी कोशिश थी, पिछली बार इसलिए हार गई थी क्योंकि जो शिवपाल यादव हैं वो जो है अलग होके उन्होंने चुनाव, यहाँ से लड़ कौन रहे हैं? रामगोपाल यादव जी के बेटे अक्षय यादव, अक्षय यादव पिछली बार भी लड़े थे और हारे इसलिए थे क्योंकि शिवपाल यादव वहाँ खड़े हुए थे अलग पार्टी बना के। तो अब वो जो समीकरण है वो, तो पहली घर की सीट यादव परिवार की घर की पहली सीट फिरोजाबाद जो जा रही है सपा के पास, दूसरी घर की सीट मैनपुरी, जबकि मेन सीट तो यही है जहाँ से डिम्पल यादव लड़ी है। और उनके उनके सामने सर किनको उतारा है भाजपा ने? जयवीर सिंह, जयवीर सिंह जो मंत्री है, जी हाँ जो मंत्री है जयवीर सिंह, उनको उतारा है। इस कॉन्टेस्ट में भी सपा जो है लीड ले रही, सपा निकाल ले रही। तो मैनपुरी फिरोजाबाद दोनों सीटें सपा ले जा रही है। हर्षवर्धन जी, नहीं मुझे लगता है कि बहुत अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन इतना आसान फिरोजाबाद नहीं होगा। ठीक है अक्षय यादव घर का झगड़ा था वो ठीक हो गया है, लेकिन अभी 2-3 बड़े जो यादव परिवार हैं जो जिसको हम कहते हैं ना जो मुलायम सिंह यादव के साथ थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं पिछले कुछ समय में। इन सीटों पर जिसको हम घर की सीट मानते थे मुलायम सिंह यादव की, वहां पर बहुत से नेता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। तो निश्चित तौर पर परिवार एक साथ है, रामगोपाल शिवपाल एक साथ दिख रहे हैं, अभी अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं, तो फिरोजाबाद मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, बहुत कांटे का मुकाबला मुझे दिखता है। मैं एक पॉइंट ऐड करूं, अभी तक हमने जितने भी सर्वे किए थे उसमें फिरोजाबाद में बीजेपी आगे दिखाई देती थी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे कैंडिडेट देने में बहुत लेट किया, अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि बीजेपी किसको कैंडिडेट देगी, शायद बीजेपी के अंदर ही कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। आज शायद बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस किया, इसलिए इस सर्वे में जब हमने किया तो वो दिख रहा है जिसकी चर्चा हर्षवर्धन जी कर रहे थे कि यादवों का एक तबका बीजेपी के साथ है, वो लास्ट में दिख रहा था कि यादव जो टूटते हुए दिख रहा था वो नहीं टूट रहा, जिसके वजह से इस सर्वे में हमें ये दिख रहा था। अच्छा, कि ठाकुर कैंडिडेट दिया है उसका कोई असर होगा?
ठाकुर शायद किसी और वजह से दिया गया, मुझे नहीं लगता ठाकुर यहाँ पे यदि बीजेपी को जीतना तो यादव वोटरों को राम गोपाल यादव आज बैनपुरी में थे, उनसे हमारे सहयोगी शोएब रजा ने बात की है। अब देखिए जरा उनका क्या दावा है। प्रोफेसर साहब क्या देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश देश को दिशा देने जा रहा है अब की बार, बीजेपी को हरा के दिल्ली से बीजेपी की सरकार का खात्मा करने जा रहा है, हमें यही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 सीटें हारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपने क्षेत्र पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बनारस पे, वहां से प्रधानमंत्री क्या राजनीतिक नुकसान में है क्या? 77 में इंदिरा गांधी हारी थी, रायबरेली लीग नहीं आ रही थी, वही स्थिति। एक प्रोफेसर वो बोल रहे थे तो हमारे पास भी एक प्रोफेसर है, आप ही जवाब दीजिए। मेरे पास इस भाषा का जवाब नहीं है, मतलब ये तो राजनीतिक तुकबंदी है जिसमें रामगोपाल जी कह रहे हैं कि देखिए 77 का मौसम अलग था, मिजाज अलग था, उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पूरे देश भर में माहौल था। यहाँ तो पहली बार ऐसा हुआ जो सत्ता पक्ष में लहर चल रही है, उसमें तो आप अपनी नाव बचा लें ये बहुत मुश्किल है। और उसमें समाजवादी पार्टी का मैं देख रहा हूँ 3-4 सीटें आ जा रही हैं, ये जो जिसको कहते हैं ना इसे ईश्वर का प्रसाद मान करके उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। वो कह रहे मोदी जी अपनी कांस्टिट्यूएंसी बचाए, बनारस बचाइए। अब देखिए कई बार राजनीतिक विक्षिप्तता की भी सीमा होती है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि राजनीतिक तौर पर वो विक्षिप्त है, लेकिन यही कहना होगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आप आकलन इससे कर सकते हैं कि आज से 5 दिन पहले अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए चुनाव सभा करने गए हैं। ये अपने आप में प्रतीकात्मक सिर्फ नहीं है, ये इस बात का द्योतक है, इस बात की ओर संकेत करता है कि समाजवादी पार्टी के पास न सिर्फ लड़वाने वाले लोगों की भी दुविधा है, बल्कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाकर के मैदान में नैरेटिव कैसे खड़ा करें। अखिलेश यादव अकेले नहीं है, कल राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है उनकी यूपी में। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि देखिए राम गोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वैसे तो वो लगातार राज्यसभा में रहे और पार्टी में कभी भी उनको जमीन की नब्ज समझने वाले नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप किसी भी पार्टी से पूछेंगे तो वो तो ये कहेगा ही ना भाई, और इतना अधिकार तो उसको देना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं का थोड़ा तो मनोबल करे, वरना तो ये बात सच है अलग अलग तरीके की बात कही जाती थी कि अभी रोजे वगैरह चल रहे हैं तो क्यों वो जाएंगे, कौन आएगा अखिलेश जी की भीड़ में, तो तब तक वो प्रतीक्षा करते रहे। प्रत्याशियों को लेकर जिस तरह की अदला बदली हुई है उत्तर प्रदेश में वो इस बार कमाल की है कि कई सीटों पर दो दो तीन तीन बार प्रत्याशी बदलना पड़ा, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो राम गोपाल जी को भी पता है, शिवपाल जी को पता है और अखिलेश जी को तो पता ही है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए। देखिए हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि रोजे में जो भाग लेते थे वो रोजे से मुक्त हो इस चीज का इंतजार कर रहे थे अखिलेश जी, जब वो रोजे से मुक्त हो तभी तो वो उनकी सभाओं में आएंगे। आप क्या मान करके चल रहे हैं सिर्फ मुस्लिम ही वोट करते हैं समाजवादी पार्टी को? नहीं, लेकिन एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, ये तो सच है ना, इसको लेकर कोई बहुत उन्होंने जब शुरुआत भी की थी तो भी पीडीए कहा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जब उनको समझ में आएगा कहीं आया कि रिएक्शन ना हो जाए तो उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से आधी आबादी अगड़ा और जाने क्या क्या बोला, तो मुझे लगता है ये तो सच है ना कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के सामने जो विपक्षी गठजोड़ है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठजोड़ हो, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है कि मुसलमान एक वोट करेगा या नहीं करेगा। उपसंहार में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जो है वो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुसलमानों के ही। अच्छा, आगे की रीजन खोल देते हैं, उससे पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की असल स्थिति क्या है और ये 400 का आंकड़ा बीजेपी पार कर पाती है, इसे छू पाती है या नहीं छू पाती है। अवध और पूर्वांचल की बात करेंगे, सबसे पहले अवध की 14 सीटें आपके सामने रखते हैं। अवध में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी कि 14 की 14 सीटें अवध की भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। सपा के आगे भी आप 0 देखेंगे, कांग्रेस के आगे भी आप 0 देखेंगे, तो अवध में क्लीन स्वीप कर रही है
भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, यानी कि लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव जीतेंगे, रायबरेली की सीट भी कांग्रेस हारेगी, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव जीत सकती हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी अपनी सीट को बचाएंगी, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता चुनाव जीत सकते हैं, बाराबंकी से राजरानी रावत जीतेंगी और फैजाबाद से लल्लू सिंह जीतेंगे, ये अयोध्या वाली सीट है, हरदोई से जयप्रकाश रावत चुनाव जीत सकते हैं, उन्नाव से साक्षी महाराज, यानी अवध में जितनी भी सीटें हैं 14 की 14 सीटें। और देखिए खीरी की सीट अजय मिश्र टेनी, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा विपक्ष करता था, वो भी अपनी सीट पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अवध की 14 की 14 सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 0-0 आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आगे नजर आएगा। इसके बाद आइए जल्दी से पूर्वांचल की भी बात कर लेते हैं, ताकि 80 की 80 सीटों का एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आ जाए। पूर्वांचल में 29 सीटें हैं, बीजेपी 25 सीटें जीत सकती है, अपना दल गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2 सीटें वो जीत सकती है, और समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें यहां से जीत सकती है, और ये जो 2 सीटें हैं वो आजमगढ़ और घोसी की हैं, जिन पे समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती हुई नजर आ रही है। यानी 29 सीटों का ओपिनियन पोल पूर्वांचल का ये कह रहा है कि एनडीए 27 सीटें जीतेगा और समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। जी हाँ, वाराणसी में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत अर्जित करेंगे, ये सर्वे बता रहा है। ओवरऑल यूपी की आप सीटें आप देख लीजिए, 80 सीटें भाजपा जीत रही है, 72 सीटें आरएलडी, 2 अपना दल, 2 सपा, 4, यानी यहां जो स्कोर कार्ड रह सकता है वो रह सकता है एनडीए 76 और इंडिया गठबंधन 4, मतलब 2014 का जो 73 का रिकॉर्ड था अब तक उसको भारतीय जनता पार्टी बीट कर रही है, एनडीए 76 पर जाते हुए पहुंचती हुई दिखाई दे रही है हमें, और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर, चारों की चारों सीटें सपा की है। मैं फिर बता दूं आपको, फिरोजाबाद, मैनपुर, घोसी और आजमगढ़। लेकिन हाँ, आता हूँ सर, उस पर आता हूँ, क्योंकि गाजीपुर की सीट टप मानी जा रही थी, लेकिन फिलहाल भाजपा को जीतते हुए दिखाया गया सर्वे में। इन 4 को छोड़ के बाकी सभी सीटों पर बीजेपी या उसके एलाइज वो जीत हासिल कर रहे हैं। अगर एक बार हमको आप ये भी बता दें, अगर आपको जानकारी हो एलाइज को कितनी सीटें आई हैं, ताकि बीजेपी का एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल जाए यूपी में, पूरे पूरे ओवरऑल ओवरऑल यूपी में बीजेपी कितना है? ओवरऑल 72 बीजेपी है, 4 एलाइज पार्टी का, 72 बीजेपी, 72, तो 72 भी एक नया रिकॉर्ड है यूपी में। इससे पहले 14 में 71 सीटें भाजपा की अपनी जो आई थी वो थी, अब बढ़ा करके उसने उसको 72 कर लिया, जबकि एलाइज के साथ सीट शेयरिंग की गई, काफी सीटें दी गई हैं, तो बीजेपी 72 आप समझिए यूपी में, यूपी की 80 सीटों में से जीत सकती है, और 4 सीट उसकी सहयोगियों को जाती हुई वो दिखाई दे रही है। भावेश एक एक समीर जी कॉमेंट, मुझे लगता है कि सिर्फ 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी, एक मैनपुरी और एक आजमगढ़, बाकी 2 सीटें जो फिरोजाबाद है शायद और घोसी है, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि मैनपुरी तो गढ़ है, उसमें कोई दोराई नहीं, और आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के आने के बाद समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत लग रही वहां पर, तो वो सीटें मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी, बाकी 2 सीटें मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि गाजीपुर में नहीं, माफ कीजिएगा, आजमगढ़ में आपने कहा गुड्डू जमाली बसपा वाले यहां आ गए, हां यहां पर आ गए, तो उससे मजबूत, वहां मायावती ने भी कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, नहीं दिया होगा, लेकिन वहाँ गुड्डू जमाली का एक अपना बड़ा होल्ड रहा है वहाँ पर, तो बहुजन समाज पार्टी कोई कैंडिडेट दे भी देगी तब भी मुझे लगता है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो वो सीट निकालेगी, तो मैनपुर और आजमगढ़ 2 सीट ऐसी है जो समाजवादी पार्टी जीत सकती है, इसके अलावा जो 2 सीटें हैं फिरोजाबाद और घोसी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और आप देखना समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलेगी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें अपनी दम पर लेकर आएगी और 2 सीटें सहयोगी दलों को, एनडीए 78 जाएगा, बिल्कुल एनडीए 78 जाएगा, सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए ओवरऑल सीट एक बार बता देनी चाहिए सौरभ, क्योंकि सारे के सारे आंकड़े खुल गए हैं, 543 सीट का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रख दिया है, और इस वक्त इस ओपिनियन पोल से बड़ी खबर यह है कि 400 के आंकड़े से कुछ कम में एनडीए रुक जाएगा, 393 सीटें एनडीए हासिल कर सकता है, और अपने आप में बीजेपी की सीटों की अगर आप बात करेंगे तो यह आंकड़ा 343 का होगा, 370 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है, लेकिन 370 के टारगेट से काफी पीछे बीजेपी रुक रही है, 343 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है, जबकि आप ओवरऑल एनडीए की बात करेंगे तो 393 सीटें यहां एनडीए जीत सकता है, 543 सीटों का ये पूरा ओपिनियन पोल हमने आपके सामने इंडिया गठबंधन का भी बताइए, सैकड़ा नहीं छुपाया वो इंडिया गठबंधन 99, वो इतना बड़ा कुनबा जोड़ा, इतने सारे दलों को लाए, कुछ छोड़ गए कुछ रह गए, सेंचुरी क्रॉस नहीं हो पा रही है, सेंचुरी नहीं बना पाए, 99 पर स्कोर टिका हुआ है इस वक्त इंडिया गठबंधन का, इसमें सोच लीजिए इंडिया गठबंधन अगर 99 है, इसमें समाजवादी पार्टी भी है, इसमें लेफ्ट के लोग भी है, इसमें आरजेडी भी है, इसमें एनसीपी भी है, इसमें शरद पवार भी है,
इसमें डीएमके भी है सबसे महत्वपूर्ण बात। कांग्रेस को कितना मिली होगी सब देखिए, इस पैनल में जब से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हम सभी इस बात के पर राजी थे कि कांग्रेस पार्टी 50 से नीचे का आंकड़ा रहेगा, 50 से नीचे का आंकड़ा रहेगा। और हम लोग कई बोल रहे थे कि 40 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी। कल भी एक दूसरे सर्वे में इस बात का जिक्र चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी 40-45 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत रही थी। एक और बड़े प्रतिष्ठान ने कांग्रेस के लिए सर्वे कराया था, वो भी कांग्रेस पार्टी को 40-45 सीट के बीच ही रख रही है। यानी कि जो सबसे बड़ी दुर्दशा जो है वो राहुल गांधी की पार्टी को होने जा रहा है। इस भाई 2014 में लोएस्ट तब आया था 44, यस, और अब उससे भी नीचे 40, यस, जो आप बार बार कहते हैं कि मैं तो 38 बोलते रहा हूं, आपने कहा था कि अपने ऐतिहासिक न्यूनतम पर पहुंची गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों है, ये राहुल गांधी को सोचना है, सोनिया गांधी को सोचना है कि आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों कांग्रेस पार्टी की हो गई है। भाई सारे नेता मौजूद हैं पार्टी के पास, पार्टी का तंत्र तो नहीं खत्म हो गया फिर क्या? इसका मतलब आप ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास खो दिया जनता का। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत की नब्ज को समझने में असफल रहे हैं, उनको जमीनी सच्चाई से वो पूरी तरीके से कटे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि भारत का मन आज के दिन में बदल गया है। भारत का मन वो नहीं है जो 1970 और 80 के दशक की राजनीति है। आज के दिन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत में 1970 और 80 के मंडल राजनीति और उसी प्रकार की राजनीति को वो भारत में पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम 4 दशक जो है वो हम आगे निकल गए हैं 5 दशक, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा देख रहे हैं वो भारत की नब्ज नहीं पकड़ने का ही कारण है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है उनको 2047 में एक विकसित भारत का स्वप्न दिखा रहे हैं, और स्वप्न ही नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने इतना कर दिया है, आने वाले दिनों में मेरा 20 साल का एजेंडा ये है, 5 साल का एजेंडा लो ये है। और वो कह रहे हैं कि ये जो हम वचन दे रहे हैं उस वचन की हम गारंटी दे रहे हैं कि हम ऐसा प्रयोग हम करने जा रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है और यही कारण है कि परिणाम जो है वो देखिए ना, नरेंद्र मोदी की टैली देखिए कहां जाकर के रुक रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, लक्ष्य दिया था एनडीए के लिए 400, और सर्वे बता रहा है कि एनडीए पहुंच सकता है 393, 400 में केवल 7 का मतलब ये वेरी वेल ये 400 के ऊपर जा सकता है, 400 के ऊपर जा सकता है, इसकी इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। लगा लीजिए, यदि मान लेते हैं कि 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में लड़ रही है, आपके सर्वे में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में दिया गया है। यदि मान लेते हैं कि कंजर्वेटिव जो हम लोग बात कर रहे थे कि डबल डिजिट में यदि भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच जाती है, जबकि यहां सभी लोगों का कहना था कि एक स्थिति ऐसी आ सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, सर्वे बेशक 3 सीटें को बात कर रहा है। यही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, खासकर प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, 40 मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 400 बार केंद्रीय मंत्री वहां पर गए हैं, प्रधानमंत्री पिछले 2 महीनों में इतनी बार जा चुके हैं। बात आप कह रहे हैं 400 पार हो सकता है, मैं कह रहा हूं इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, अभी वो दूर का रास्ता दिख रहा है। जब नहीं, जब 393 पहुंच सकता है तो 400 क्यों नहीं पहुंच सकता, सवाल तो ये है। कांग्रेस अगर 40 सीटों पर पहुंचती है और भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी 40 तो दे रहे हैं ना, 40 सीटें मिल रही है, इससे भी कम होंगी नहीं, 40 सीटें तो मुझे लगता है आ जाएंगी कांग्रेस से किसी भी तरह से रोके, 35-40 के बीच में कांग्रेस कहीं ना कहीं 35-40 बिल्कुल मुझे लगता है। लेकिन एक बड़ी 40-45 भी तो कह सकते थे, नहीं 40 के ऊपर कांग्रेस की हालत में नहीं जाने वाली। देखिए इस पूरे आंकड़े में ये भी बात है कि जिसको कहता विपक्ष कहता है या बाकी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम जिसको पीक एक्सपीरियंस कहते हैं, हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पीक एक्सपीरियंसेस तक पहुंच चुके हैं, वहां से आपने छटनी ही किया है, बिहार के अंदर आपने छटनी किया मतलब जो आंकड़े बता रहे हैं, कर्नाटक में सीटें कम हुई, बिहार में सीटें कम हो रही है, महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही है। तो इन सबों को कंसीडर किया गया है, इसको ऐसा नहीं है कि इसको कंप्लीटली बोला कि जो पहले था वो उस पीक पर रह ही रहा है भारतीय जनता पार्टी, नहीं वहां भी सीटें घट रही है। ठीक है, राहुल जी सहमत है सर्वे से? देखिए मैं मानता हूं कि बीजेपी अपने दम पर जो है वो 310 तक मैक्सिमम जो है वो जाएगी। हम सर्वे दे रहा है 343, आप कह रहे हैं 310 तक मैक्सिमम जाएगी। ओके, मतलब इंडिया गठबंधन 100 के पार और कांग्रेस पार्टी 50 के ऊपर। कांग्रेस का तो देखिए हाल भी बुरा है, मैंने आपको पहले भी बोला था 51 के बाद अगर सबसे कम सीटों पर कांग्रेस कभी लड़ रही है चुनाव तो इन चुनावों में लड़ रही है, 323 तो सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है कांग्रेस को। क्या होता है कि पार्टी को अपने ऊपर भरोसा हो, काडर के ऊपर भरोसा हो,
तो शायद जो है पार्टी में ऐसा लगता है कि जो है वो कुछ कमाल कर कोई सलाह आपको आपकी कांग्रेस पार्टी को तो काफी सारे लोग जो है ब्रेकिंग न्यूज आ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को थोड़ा नहीं कर पाएंगे, अलग हटना चाहिए, गांधी परिवार को थोड़ा अलग हटना चाहिए, कांग्रेस को परप दे देना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर वैसा होता है तो क्या पता कांग्रेस रिवाइव, वो तो जो होगा इलेक्शन के बाद होगा। अभी अब देखिए, अब 2024 की कोई बात नहीं, अब डब्बा गोल हो गया, जो बात डब्बा बंद हो गया, 2029 की बात होगी कांग्रेस। अच्छा, 40 आप दे रहे हैं, 40 से ऊपर मानेंगे, 40 से कम, 40 या 40 से थोड़ा ऊपर हो सकता है। देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, फाइनल आंकड़ा हमने दिखा दिया है, 393 एनडीए और 343 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 370 का टारगेट मोदी ने सेट किया था, लेकिन 343 बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है, यही आंकलन लेकर चला जा रहा है इस वक्त पार्टी की तरफ से भी, और टारगेट लेकर चला जा रहा है। आंकलन ना कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो मान रहे हैं कि कई जगह पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस के पीछे फैक्टर्स अलग अलग हैं। जैसे महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पूर्वांचल में हमारे सर्वे जो बता रहा है पार्टी के रणनीतिकार का जो ग्राउंड फीडबैक है वो अलग है। जैसे पूर्वांचल के उदाहरण पर आप देखें तो आजमगढ़ के अलावा लालगंज, घोसी, इन सीटों को बीजेपी डिफिकल्ट मान रही है, और अब जौनपुर की स्थिति भी, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट की है तो वहाँ भी बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली स्थिति है। तो पार्टी के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी सीटें फंसी हुई है और उन्हीं पे आपको काम करना होगा। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनयूजुअल चीज़ है, इस लिहाज से कि अगर ये इतना सर्टेन होता तो फिर प्रधानमंत्री को इतने कैंपेन करने की जरूरत क्या पड़ती, बीजेपी नेताओं को इतने कैंपेन करने की जरूरत क्या पड़ती, किसी भी नेता को कैंपेन करने की जरूरत क्या पड़ती। वो वजह ही ये रहता है कि जब टाइट सीट पर आप कैंपेन करते हैं तो फिर माहौल बनाते हैं और फिर वोटर अपने पक्ष में लेकर आते हैं। बीजेपी की एक दूसरी चिंता ये है, क्योंकि अपोजिशन से चैलेंज मिलता नज़र नहीं आ रहा है, अभी तक मिल नहीं रहा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ समस्या ये होती है कि जैसे अपोजिशन से उन्हें चैलेंज मिलता है वो और दुगुने उत्साह से लग जाते हैं और फिर अपने ग्रीवांसेस वो किनारे कर देते हैं। अन्यथा अगर सिटिंग कैंडिडेट को लेकर उनके अंदर ग्रीवांसेस हैं तो उनके हावी होने का खतरा इस रूप में रहता है कि वो कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने घर में थोड़ा निष्क्रिय जरूर रह सकता है, उसका पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो ये भी एक चिंता है जिसको लेकर बीजेपी बार बार अपने कार्यकर्ताओं को ये बता रही है, और इस पूरे चिंता को कैसे हल किया जा रहा है इसको आप देखें तो केंद्र बिंदु में पीएम मोदी हर जगह जाकर ये बता रहे हैं कि आपको मुझे देखना है, देश के प्रधानमंत्री को वोट करना है, 2047 के लिए वोट करना है, हमारे रिपोर्ट कार्ड पे वोट करना है, हमारे आगे के विजन पर वोट करना है, और कमल का फूल देखना है या फिर हमारे सहयोगी को देखना है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते बीजेपी इस प्रकार की स्ट्रेटजी अख्तियार कर रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कई सारी सीटें हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कई सारे राज्य हैं, और उन राज्यों में स्पेसिफिक सीट की बात करना है, जैसे कर्नाटक में 7-8 सीटें पार्टी ने ऐसे चिन्हित कर रखा है जहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में लगभग, महाराष्ट्र में लगभग 15-16 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी को बहुत ज्यादा बीजेपी को देवेंद्र खुद चिंता है, और कई सीटें उसको लग रही हैं कि वो फंस सकती हैं, कहीं पर टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो जो आंकड़ा हमने दिखाया है वो आंकड़ा नीचे मानकर चला जा रहा है या इससे आपकी गुंजाइश भी है 343 से? देखिए, अभी तक जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ने अगर 370 का आंकड़ा बीजेपी को दे दिया और 400 का आंकड़ा गठबंधन के लिहाज से, तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता इसी लक्ष्य को मानकर चलेगा। लेकिन मैं जो कठिनाई की बात कर रहा हूँ वो उन सीटों को लेकर जो पार्टी के पास अपना फीडबैक है उन राज्यों के, उन सीटों के बारे में वो हम बता रहे हैं जहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और ऐसे अनेक उदाहरण ऐसे होते हैं जब पार्टी शुरू में 1-1.5 महीने पहले जिन सीटों को डिफिकल्ट मारती है, फाइनली आप देखेंगे तो उसमें विक्ट्री हो जाती है। क्योंकि पार्टी के पास दो तरीका रहता है, एक तो ये कि आप बीमारी की पहचान करें, और जैसे बीमारी की पहचान होती है वहां पर आप तुरंत उसका समाधान करते हैं, उपचार करते हैं। अपोजिशन और बीजेपी की रणनीति में, इलेक्शन रणनीति में ये एक बड़ा फर्क नजर आता है कि बीजेपी अपनी कमियों को बहुत जल्दी एड्रेस करती है और उसके हिसाब से समाधान करती है। मुजफ्फरनगर का केस ही आप देख लें, जैसे पार्टी को थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ क्षत्रिय एक समस्या हो सकती है, आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी में क्षत्रियों के सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के हैं, उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया। तो इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, उनको दूर किया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के हिसाब से आप देखें तो 370 बीजेपी के रणनीतिकार भी मान के चल रहे हैं कि वो थोड़े ज्यादा दूर की गोड़ी है, उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। 370 अचीव करने के लिए पॉजिटिव साइड पर बीजेपी को किन किन राज्यों से और कैसी अप्रत्याशित नतीजों की उम्मीद है? उसमें दो चीज़ें सौरभ, एक तो ये कि पहले अगर हम ये नहीं मान सकते कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनौती वाली सीटें जिन सीटों को मान रही है उसके बारे में गिव अप कर दिया है, वो गिव अप ही हो जाएगा। जैसे यूपी के जिन सीटों का हम लोग उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, बिहार की जिन सीटों का उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सीटों का उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, कर्नाटक सीटों का उदाहरण देकर बात कर रहे हैं, पार्टी ये मानकर चल रही है कि अभी इतना समय है कि हम उस डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे और जो समस्या है उसे दूर कर लेंगे। नंबर्स बढ़ाने के लिहाज से अगर बात कर लें तो उस बढ़ाने के लिहाज से पार्टी मान के चल रही है कि बंगाल में उसकी सीटें बढ़ेंगी,
उड़ीसा में उसकी सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु में कुछ सीटें आएंगी, केरला में अगर आप देखें तो पार्टी का जो एक्चुअल फीडबैक है उसमें यह है कि अगर 60% क्रिश्चन ने वोट कर दिया तो त्रिशूर वाली जो सीट है सुरेश गोपी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट जीती जा सकती है, लेकिन 60% नहीं 60,000 क्रिश्चन वोट आने चाहिए बीजेपी के पक्ष में, जो कि आसान काम नहीं होगा, इतना बड़ा मोबिलाइजेशन आमतौर पर साउथ में नहीं होता है। इसके अलावा आर्टिंगल वाली सीट जो है जहाँ मुरलीधरन लड़ रहे हैं वो एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो भी क्लियर कट जीत वाली स्थिति नहीं है, तो केरल में बीजेपी को बहुत ज़्यादा होप नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वहाँ से वो अपनी कुछ सीटों में इजाफा कर लेगी। बाकी राज्यों की अगर बात करें तो झारखंड में पार्टी इस बार मान के चल रही है कि इस बार वो सारी की सारी सीटें झटकने की स्थिति में है और ऐसा वो कारनामा वो कर पाएगी। बिहार में पार्टी की ये कोशिश है कि पिछली बार का जो आंकड़ा है उससे बहुत दूर ना रहा जाए। उत्तर प्रदेश में पार्टी की अभी जो स्थिति है उसमें पार्टी ये मानकर चल रही है कि एनीवेयर बिटवीन 68-70 रह सकता है एनडीए गठबंधन के लिहाज से, और बाकी सीटों पर आपको और मेहनत करनी है। तो ओवरऑल जहां पर आप मैक्सिमम थे वहां पे तो मैक्सिमम है, उसे रिटर्न करना है। कर्नाटक में बड़ी समस्या सौरभ ये जरूर है कि पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है, और पार्टी का अपना जो फीडबैक है उसके हिसाब से महिलाएं जो स्टेट की तरफ से गारंटी दिया गया है उनमें उनका झुकाव थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज्यादा था, वो बीजेपी के लिए कंसर्न था, लेकिन पुरुष वोटर लगभग पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हुआ था उसमें 62% पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अब वो चीज बीजेपी के लिए वहां पे ट्रंप कार्ड हो सकता है। तो इस तरह से राज्यवार बीजेपी ने आकलन कर रखा है, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। सौरभ ठीक है, भावेश जैसा अभी असेसमेंट की बात देवेंद्र कर रहे थे, टिकट का जो वितरण हुआ या टिकट जिस तरीके से बांटे गए, उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, इसका कितना महत्वपूर्ण रोल आप मान रहे हैं जमीन पर जिससे वोटर्स का मन शिफ्ट भी होता है? देखिए कुछ राज्यों में जरूर होगा इसका असर कि आपने किसको कैंडिडेट दिया है, और फिर जो सीट शेयरिंग जो आपका अलायंस के साथ था वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर यूपी में यदि आप जाए तो घोसी सीट जैसे पहले यदि हम लोग सर्वे जब जनवरी महीना फरवरी महीना में जब हमने किया था वो दिख रहा था कि बीजेपी वो सीट यदि खुद से लड़ेगी तो जीत सकती है, लेकिन जब से इन्होंने राजभर की पार्टी को दिया था वहाँ पे एक बहुत बड़ी चैलेंजेज ये आई कि वहाँ पे जो बीजेपी के कैडर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शायद इसीलिए आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा कि कैसे जो डिप्टी बिल्कुल वो तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। उसी तरह बिहार में भी देखें तो पहले लग रहा था कि बीजेपी खुद ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो बिहार में और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उन्होंने जो 2019 में जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला के अंतर्गत 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खासकर साउथ में बीजेपी जिन जिन सीटों पर अच्छे कैंडिडेट दे रही है बीजेपी का वहाँ पहले से यदि थोड़ा बहुत जनाधार है तो बीजेपी के लिए वहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाते हैं। जिस तरह देवेंद्र बात करे थे तिंगल सीट की बात करी थी, एक त्रिवेंद्रम सीट की बात करे थे या त्रिशूर सीट की बात करे थे या पठानमथिट्टा की बात करे थे, इन सब सीटों के लिए बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट का होना बीजेपी के लिए संभावनाएं बढ़ाते हैं कि बीजेपी यहाँ पे जीत सकते हैं। उसी तरह तमिलनाडु में देखें जो सीटें हम लोग प्रिडिक्ट करें कि बीजेपी जीते, बीजेपी ने एक्चुअली में वहाँ पे कैंडिडेट अच्छा दिया है। जैसे हम लोग आजकल बात कर रहे थे कि रामनाथपुरम में जो अब एनडीए की कैंडिडेट है ओपीएस वो तीन बार सीएम रह चुके हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छी कैंडिडेट है रामनाथपुरम में। वैसे भी बीजेपी अभी अपना कैंडिडेट है वो भी बीजेपी जीत सकती थी। इसी तरह देखेंगे अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ आप जाएंगे बीजेपी ने जहाँ पे अच्छा कैंडिडेट दिया है यदि वहाँ पे उसका आधार नहीं हुआ है तो बीजेपी वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन नॉर्थ में आप जैसे आएंगे नॉर्थ में जिस तरह का एक मोमेंटम है उसमें बीजेपी के लिए कैंडिडेट सेलेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब नहीं लगता, लेकिन फिर भी वहाँ पे यदि बहुत ज्यादा नाराजगी है तो फिर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर। अब जरा सारी पार्टियों की पोजीशन आपको बता देनी चाहिए, व्यूअर्स जानना चाहते होंगे। बीजेपी का तो हमने आपको बताया, मैं एक कंपैरिजन के साथ बता रहा हूँ, बीजेपी 2019 में 303 थी, बढ़कर हो गई 343, यानी 40 सीटें अब बीजेपी जा सकती है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। कांग्रेस पार्टी 2019 में 52 सीटों पर खड़ी थी, ये 12 सीटों के नुकसान के साथ 40 पर आ सकती है और 40 के नीचे भी जा सकती है। इसके अलावा अगर आगे बात करें आम आदमी पार्टी के पास एक सांसद था, हमारा सर्वे कह रहा है उसको 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, मतलब 7 सांसद उसके ज्यादा जीत करके आ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस 22 थे पिछली बार, इस बार 19, 3 सीटों का नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है। समाजवादी पार्टी की पिछली बार 5 सांसद जीते थे, इस बार 4 जीत सकते हैं, 1 सांसद का नुकसान। बसपा के 10 जीते थे पिछली बार, इस बार 0, तो मायावती 0 पर आ रही हैं, ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है। जेडीयू 16 सीटें जीती थी 2019 में और अब हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है 2024 में 16 से घटकर 12 पर, यानी 4 का नुकसान जेडीयू को हो सकता है। डीएमके को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है, 24 से घटकर वो 17 पर आ सकते हैं। टीडीपी को बंपर फायदा हो रहा है, 3 से बढ़कर 12, यानी एनडीए में वो है 12 सीटें टीडीपी जीत सकती है, और बाकी जो अन्य दल हैं उनको 107 सीटें मिली थी, इसमें वाईएसआर कांग्रेस भी है, इसमें बीजेडी भी है और छोटी छोटी पार्टियां होंगी बहुत सारी, 107 सीटें थी उनकी, वो घट करके 88 रह जाएंगी, ऐसा सर्वे बता रहा है। 19 सीटें
यहां से कम होती हुई दिखाई दे रही है। मैं भावेश से जानना चाहता हूं कि देखिए मुख्तार अंसारी के बाद गाजीपुर सीट पे बड़ा इंटरेस्ट लोगों का जगा हुआ है, तो उस पर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी थी उस सीटों पे, बीजेपी ने कैंडिडेट देने में भी बहुत लेट किया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के वजह से कोई हिंदू जाके उसके लिए वोट कर देगा ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ पे कंप्लीट पोलराइजेशन देखा जा रहा है, जिसके वजह से बीजेपी के लिए अच्छी संभावना है। बीजेपी ने कैंडिडेट भी बहुत अच्छा दिया, वो बहुत पारसनाथ राय, बिल्कुल सही, वो संगठन के आदमी हैं और पूरे क्षेत्र में उनका एक अच्छा खासा। अफजाल अंसारी पिछली बार 51% वोट से जीते सर, ये भी तो आप देखें ना, वहाँ पे सपा बसपा सबका कॉम्बिनेशन था, जिसके वजह से 2014 में तो बीजेपी वहाँ जीती भी थी ना, जब कोई अलायंस नहीं था। तो एक कंप्लीट पोलराइजेशन यदि होगा तो बीजेपी वहां पे सीट निकालते हुए जीत रही है। संघ से जो है वो बिल्कुल संगठन के आदमी हैं और चुनाव को बहुत नजदीकी से देखते हैं और जीत सकते हैं। हर्षवर्धन जी, अब ये पूरे जो सर्वे का डेटा है, इसके लिए आपकी मोटी मोटी हेडलाइंस अलग अलग राज्यों से या कुछ पूरा नेशनल थीम कुछ दिखाई देता हो? नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये कि हेडलाइन के बजाय दो लाइनें हैं गाने की कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। किसके लिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 पार की जहाँ तक बात है, वरना जिस गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के लिहाज से गाजीपुर में संघ के वो स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं, लेकिन उम्मीद नहीं की जा रही थी कि पारसनाथ राय को टिकट मिलेगा। बहुत अच्छा चयन नहीं माना जाता है। वो सीट भी भूमिहार सीट अब बलिया हो गई है, चूँकि मोहम्मदाबाद उसमें चली गई तो नए परिसीमन में वो समीकरण बदल गए हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि समीकरण तो बदलते हैं, ऐसे 2014 में मनोज सिन्हा जी बहुत लड़ने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि वो 2009 में लड़े थे बलिया से, उनकी इच्छा वहीं से लड़ने की थी, लेकिन अंत में पार्टी ने कहा लड़े और सांसद बन गए। तो कौन कौन सी सीटें जीतेंगे ये अब कोई बहुत चर्चा नहीं रह गई है। बेसिक क्या है, नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन चुके हैं, इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि सब कुछ उनमें समाहित होता हुआ दिखता है। इसलिए जौनपुर, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर ऐसी सीटों पर जहां मुश्किलें होती दिखती हैं वो भी हो सकता है नैया पार हो जाए। तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ब्रांड है। दूसरी जो मुझे ज्यादा बड़ी हेडलाइन दिखती है, दक्षिण भारत, जहां लगता था कि जैसे पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में तो अछूत है, उसको तो कोई सुनेगा नहीं, उसके साथ कोई हाथ नहीं मिलाएगा, अपनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी वहां बड़ी होती हुई दिख रही है। अगर केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सीटें जीत रही है तो यह बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र में अनडिस्प्यूटेड, जिसको कहते हैं ना कि एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बचने वाली है, कांग्रेस पार्टी शिवसेना से नीचे जाने वाली है, और जो ये जिसको कहते हैं संकेत के तौर पर अगर देखें तो महाराष्ट्र का ये नतीजा बताएगा क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति समाप्त तो हो रही है। तो मुझे ये तीन बड़ी हेडलाइन दिखती है और सबके ऊपर राम मंदिर यानी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, ये जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो बहुत ठीक से काम करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक बार जरा हम अपने ओपिनियन पोल में कैसे स्थिति बदली है ये भी आपको बता दें कि आज 16 अप्रैल के दिन एनडीए 393, इंडिया गठबंधन 99 पे दिखाई दे रहा है। पिछले चार सर्वे में आपको बताता हूं, शुरुआत करी थी जुलाई 2023 में, तब एनडीए खड़ा था 318 पर और इंडिया गठबंधन था 175, जो आज 99 पर आ गया है, आज से 8 महीना पहले वो 175 पर था। अक्टूबर 2023 में एनडीए और नीचे गया 315, इंडिया गठबंधन भी डाउन हुआ थोड़ा 172 पर आया, यानी बाकी पार्टीज में सीटें बटी। मार्च 2024 में छलांग लगाई एनडीए ने तगड़ी और ये हो गया 378 पर और इंडिया आ गया 98 पर। मार्च 1 अप्रैल 2024 को एनडीए जो था वो 399 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा था और इंडिया गठबंधन 94 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसमें 6 सीटों का नुकसान जो है पिछले सर्वे और इस सर्वे में हुआ है एनडीए को, 393 पर वो आ गया है और 99 पर इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी सारी रीअलाइनमेंट्स होनी थी, मतलब नीतीश कुमार का एनडीए में आना था, ममता बनर्जी का छोड़ करके जाना था, उस सब के बाद सर्वे की थीम एक तरफा दिखाई दी है। 378 से बढ़कर कभी 399, फिर 393 हुआ एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार जो है वो इस रीअलाइनमेंट के बाद 100 के नीचे ही रहा, 100 को वो पार नहीं कर पाया। बस मैं इसमें एक हेडलाइंस आप पूछ रहे थे तो मैं जोड़ूं कि आपने इस पूरे सर्वे में देखा कि कांग्रेस कहीं भी डबल डिजिट में नहीं पहुंची। सबसे ज़्यादा जो उनकी मैक्सिमम सीट आ रही है वो 8 सीटें आ रही है तेलंगाना से और 8 सीटें आ रही है तमिलनाडु से। किसी भी स्टेट में डबल डिजिट में कांग्रेस नहीं जा रही। 2019 में उनको वो केरला में 15 सीटें मिल गई थी और यहाँ पे शायद पूरी संभावना है कि किसी भी स्टेट में डबल डिजिट में कांग्रेस नहीं जा पाए। डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर पा रहा है आपके सर्वे के मुताबिक, तो पूरा गठजोड़ मिलकर अगर डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर पा रहा है
तो ये सचमुच बहुत चिंता की बात है। हमें कांग्रेस की सीटों का ब्रेकअप निकालना चाहिए, इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। आपने बताया केरल में आपके कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की 6 सीटें, 6 सीटें केरल के अंदर है। तमिलनाडु में आपने बताई 8 सीटें, बिल्कुल 8 सीटें। कर्नाटका में अंदर? कर्नाटका में 5 सीटें, 5 सीटें। तेलंगाना में 8 सीटें, 8 सीटें। आंध्रा में शायद एक भी नहीं है, आंध्रा में एक भी नहीं। तो भाई ये ऊपर आ जाते हैं, पंजाब में 1 सीट है, 1 सीट, yes. 1 सीट आपको अधिकार दे रहे हैं आप। और बाकी कौन से राज्य से सीटें आ रही हैं इनको? बिहार से, बिहार में 2 सीटें हैं, बिहार में 2 सीट आ रही हैं, यूपी में एक भी नहीं आ रही है, यूपी में, मध्य प्रदेश में 1 सीट हो गया, महाराष्ट्र में 1 हो गया, हरियाणा में 2 हो गया, महाराष्ट्र में 1 सीट, यस 1 सीट, 1 सीट वो भी उनकी वो सीटें कांग्रेस के वजह से निकले। वो कैंडिडेट हैं, शिवाजी महाराज के फैमिली से आते हैं, तो वो शायद बीजेपी के लिए। वेस्ट बंगाल में 1 सीट नहीं, इस बार पहली बार संभव लग रहा है कि अधीररंजन चौधरी खुद चुनाव लड़ेंगे जी। तो मतलब कोई ऐसा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डबल डिजिट छूने की सर में इसमें जो है वो कसक जो है बरकरार ही रह जाएगी कांग्रेस। मैंने कहा ना, पूरी संभावना है कि कांग्रेस 10 सीटें किसी भी स्टेट में ना जीत पाए। लग रहा था पहले संभावना कि वहाँ पे केरला में फिर से यदि चुनाव, यदि बड़ी एक कैंपेन बनता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे, तो उसमें एक संभावना बन सकती थी कि वहाँ पे 10 सीटें से ज़्यादा मिल जाए, जो 2019 में बनी थी। लेकिन इस बार इस तरह की संभावना किसी भी स्टेट में नहीं लग रहा कि राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए कोई मोमेंटम बने, जिसके वजह से आप देखेंगे किसी भी स्टेट में उनके लिए मोमेंटम नहीं बन रहा। और वो इसको पढ़ने का एक और तरीका, कांग्रेस पार्टी को जो 40 सीटें आ रही हैं उनमें से 27 सीटें दक्षिण भारत के इन पांच राज्यों से, बिल्कुल केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और एक राज्य इसके अंदर छूट रहा है, आंध्र प्रदेश, इसमें कुछ नहीं है। 27 सीटें पूरे दक्षिण से 27 सीटें हैं, बिल्कुल। तो पिछली बार मतलब बाकी पूरे भारत में, दक्षिण भारत में 27 सीटें कांग्रेस को, उसके अलावा पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल भारत, वेस्ट नॉर्थ सब में मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को 13 सीट, साउथ छोड़ दें तो पूरे भारत में मात्र 13 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। देखिए सरोज जी, लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि देश के अंदर जितने राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश है उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस की नहीं आ रही है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 36 होता है, कांग्रेस 36 के ऊपर नहीं जाने वाली है। अब मैं आपको एक हेडलाइन बता देता हूँ कि अगर यह परिणाम होता है कि कांग्रेस 40 सीटों पर टिकती है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने 100 दिन का कार्यक्रम सेट करके रखा है। कांग्रेस का 100 दिन का एजेंडा यह रहेगा कि जब यह परिणाम आ जाएगा 100 दिन के अंदर, आप तय मान के चलिए, कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, एजेंडा सबने तय कर रखा है चुनाव के बाद, उत्तराखंड की सरकार जाना तय है, आप मानने जाना है, टिकट विकेट हो रखे होंगे, सरकार जाएगी, तीनों सरकार 100 दिन के अंदर कांग्रेस की चली जाएगी, तय मान के चलना अगर ये परिणाम आता है।